आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है नीट का एग्जाम जो कि 3rd of May को होने वाला है। अब हो सकता है वो पोस्टपोन हो जाए, बट आई होप काफी बच्चे काफी टाइम से इसकी तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है कुछ बच्चे बोर्ड एग्जाम के बाद पढ़ने वाले हों। तो यहाँ पे दोनों के लिए ही जिन बच्चों की तैयारी पक्की है वो रिवाइज कर सकते हैं और जिन बच्चों ने अभी शुरू नहीं किया है वो ये क्रैश कोर्स के थ्रू अपनी तैयारी को अच्छी बना सकते हैं। तो हम बायो में ये क्रैश कोर्स निकाल रहे हैं जिसके अंदर आपको पूरी एनसीईआरटी हम रिवाइज कराने वाले हैं। तो एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर चैप्टर के डेली आपके साथ वो क्लासेस होंगी। जरूर इस क्रैश कोर्स को फॉलो कीजिए। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं एनसीईआरटी हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम हर टॉपिक एनसीईआरटी का जिसमें से क्वेश्चन बनता है वो आपके संग रिवाइज करेंगे। अब आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है लिविंग वर्ल्ड, आपके 11th क्लास का पहला चैप्टर। अब तैयारी करने वाले बच्चे आप सभी जानते होंगे कि हर चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने हमारे डाउटनेट चैनल पे पहले वेटेज भी दी थी नीट की, जिसने हमने बताया था कि जो पिछले 10 सालों में क्वेश्चन पेपर आया है नीट का तो उस हिसाब से क्या अजम्पशन रहेगा, क्या कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन चैप्टर में से बनते हैं। तो इस चैप्टर में से हमने देखा कि 10 सालों में 9 क्वेश्चन आए हैं तो चांसेस है एक क्वेश्चन यहाँ पे आने का। तो ऐसा देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चैप्टर, लेकिन क्योंकि एक क्वेश्चन आया है तो अगर आप पूरी 100% तैयारी करना चाहते हो तो क्यों ये क्वेश्चन को हमें गंवाना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। अब इस चैप्टर में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है वो है लिविंग क्या है, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म को आप लिविंग बोल रहे हो, क्यों वो नॉन लिविंग थिंग से अलग है। बचपन में भी हम पढ़ते थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग में क्या डिफरेंसेस है, तो आज हम फिर उसको देख लेते हैं कि बेसिकली किसी भी जीव को वो जीव है क्या, वो जीता क्यों है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, चाहे वो उसकी ग्रोथ के हो, रिप्रोडक्शन के हो, कैसे वो अपनी एनवायरमेंट में रिस्पॉन्ड करता है, चीजों को पकड़ता है। तो ये सब कुछ हम देखने वाले हैं जिसमें जो सबसे पहला टॉपिक है कि ग्रोथ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। अब ग्रोथ क्या है, कोई किसी का बढ़ना, ठीक है, आप अपने आसपास देख रहे हो कोई प्लांट है, धीरे धीरे क्या हुआ, छोटा प्लांट था, सीड था, उसने अपनी हाइट इंक्रीज कर ली, वो लंबा हो गया, तो वो क्या है, वो ग्रोथ है। कोई बच्चा है जो पहले छोटा हुआ फिर एडोलेसेंस एज आई एडल्ट हुआ तो क्या हो रहा है, वो ग्रोथ हो रही है। वो भी नहीं, आप अपनी ही एज में देखो, आप एक साल में कितने ही बढ़ गए होंगे लेकिन आपके बाल बढ़ते हैं, आपकी नेल्स बढ़ते हैं, आपकी स्किन में कोई चोट लगती है वो फिर से ठीक हो जाती है, तो वो क्या है, वो ग्रोथ है। तो ग्रोथ जो होती है वो किस चीज से होती है, आपकी सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन ही है जो ग्रोथ को करती है। क्या होते हैं, सेल तो नए आते रहते हैं, सेल डिवाइड होते रहेंगे, माइटोसिस हमारा होता रहेगा, तो इसी तरीके से न्यू ग्रोथ हमारी होती रहती है। अब एक चीज और है इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। अब एक चीज ध्यान रखो, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लेट्स सपोज ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये कैसे बढ़ेगा, इसमें कुछ खराबी हुई, इसमें कुछ चेंजेस आए, ये सेल डिवाइड हुआ, तो इस तरीके से जब फिजन होती है तो ये दो सेल्स बन रहे हैं, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ एंड अल्टीमेटली आपके दो सेल्स बन गए, तो इस तरीके से ये ग्रो हुआ। अब एक चीज यहाँ पे एक और देखने वाली है कि इसी तरीके से ये रिप्रोड्यूस भी हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ पे नीट में आया गया है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में आप कह सकते हो जहां पे जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है वो सिंपल सेल डिवीजन से हो रही है, या इससे रिलेटेड कोई भी लैंग्वेज आपका चेंज हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, ये होंगे हमारे यूनिसेलुलर, क्योंकि वो ग्रोथ भी ऐसे ही दिखाएंगे, वो रिप्रोड्यूस भी ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो अब एक चीज और कि हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि वन मस्ट रिमेम्बर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, कि बॉडी मास में जब ग्रोथ हो रही है
तब ही उसको ग्रोथ बोलेंगे। अब सिंपल सी चीज है, कोई जैसे यहाँ पे दिया है माउंटेन्स हैं, बोल्डर्स हैं, सैंड माउंड्स हैं, वो भी तो बढ़ते हैं, थोड़ी मिट्टी और डाल दो तो वो और ऊंचे हो गए, वो ग्रोथ हो गई। तो वैसे तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ होंगे, तो हम तो फिर इन दोनों को, लिविंग और नॉन लिविंग को, ग्रोथ से डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है एक चीज मानने वाली, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है वो ग्रोथ अंदर से होती है, इट इज इंटरनल। अंदर से आपके जब सेल्स बढ़ रहे हैं तभी आपको अल्टीमेट सामने से दिखने वाली ग्रोथ मिलेगी। तो ग्रोथ ऐसा नहीं है कि एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लेकिन हमें कंडीशंस देखनी है कि किस कंडीशन के अंडर, जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाँ वो ग्रोथ हो रहा है, लिविंग सिस्टम जो भी आपके टिश्यूज हैं वो बढ़ रहे हैं, या आपके जब तक ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो सेल डिवाइड हो रहे हैं, टिश्यूज बन रहे हैं, ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, आपका बॉडी का मास बढ़ रहा है, आप इंक्रीज कर रहे हो हाइट में, आपका पूरा जो लाइफ स्पैन है, मतलब जब तक जिए जब तक डेथ हुई, तो बीच में आपने ग्रोथ दिखाई है, तो दैट इज ग्रो ग्रोथ। अब ऐसा क्योंकि डेड ऑर्गेनिज्म भी तो कभी लिविंग थे, लेकिन वो तो ग्रोथ होते नहीं है, तो इसीलिए ये इस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ की आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल पे हम ग्रोथ को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज आ जाती है हमारे पास, रिप्रोड्यूस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब अपने ही जैसे या अपने लाइक, एग्जैक्ट जैसे एसेक्सुअल में होता है, या अपने जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म को आप रिप्रोड्यूस करते हो, लाते हो इस दुनिया में। तो रिप्रोड्यूस करना, अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाना। अब ये रिप्रोडक्शन जो है अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं कि हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, कोई चीज से आप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब वहां पे दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, वहां पे गैमीट्स की जरूरत नहीं है, तो एग्जैक्ट कॉपी मिलती है। या हो सकता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी होती है मल्टी सेलुलर में, कि जब दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, गैमीट्स इन्वॉल्व करते हैं, तो वेरिएशंस आते हैं। लेकिन यूनिसेल्युलर में यही चीज बहुत सिंपल होती है। अब यहाँ पे नीट के लिए आपको क्या वर्ड टू वर्ड ये पता होना चाहिए कि क्या क्या आपके एनसीईआरटी में लिखा है। ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी ग्रोथ करते हैं, एसेक्सुअल से भी करते हैं। अब जैसे फंजाई है, वो मल्टीप्लाई करते हैं एंड स्प्रेड कैसे करते हैं, एसेक्सुअल स्पोर से। क्वेश्चन यहाँ पे आता है, आपको बोल देगा कि कौन से जो है वो स्पोर्स के थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे। आप 12th के फर्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल भी पढ़ रहे हो, जू स्पोर्स है हमारे, तो ये सारी नॉलेज आपको हेल्प करेगी। तो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस है, ठीक है। उसके बाद जो थोड़े लोअर ऑर्गेनिज्म आ गए, जैसे यीस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, वो बडिंग के थ्रू होते हैं। तो स्पोर्स क्या होते हैं, ये एक तरीके के मान लो एक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, कि जहां पे भी ये गिरेंगे, अब जब उसको सारी कंडीशंस मिलेगी तो वो जर्मिनेट हो जाएंगे। उसी तरीके से हाइड्रा में आपने देखा है बड होता है। जैसे मैं अगर जैसे मान लूं कि ये मेरा हाइड्रा है, अगर यहाँ पे एक बड निकलती है, तो धीरे धीरे ये ब्रड बड भी आपस में ग्रोथ होती है। जब ये डिटैच हो जाती है तो दो बिल्कुल इंडिविजुअली अलग ऑर्गेनिज्म ये बन जाता है, तो इसको हम बडिंग बोल देते हैं। प्लेनेरिया, जिसको फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं, वहां पे ट्रू रीजेनरेशन होती है। रीजेनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए। रीजेनरेशन मतलब क्या है, कोई भी बॉडी पार्ट आपका जब रीजेनरेट हो रहा है, फिर से बन रहा है। फ्रैगमेंटेशन में पूरी बॉडी अलग अलग फ्रैगमेंट्स में बटी, और उसके बाद अल्टीमेटली हर फ्रैगमेंट ने पूरी बॉडी में रीजेनरेट कर दिया। रीजेनरेशन तो जैसे हमने पता है ह्यूमंस बींग्स में लिवर भी रीजेनरेट कर जाता है, ठीक है, टेल है किसी किसी ऑर्गेनिज्म की, वो रीजेनरेट कर जाती है। लेकिन फ्रैगमेंटेशन में क्या है, अब जैसे प्लेनेरिया है, उसको तीन टुकड़ों में बांटो, तीनों टुकड़े अपने अपने पूरे ऑर्गेनिज्म में पार्ट ले लेंगे, तो फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजेनरेट कर देगा लॉस्ट पार्ट ऑफ इस बॉडी। तो सिमिलरली ऐसा नहीं होगा, एक अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के आप कोई पार्ट जो होगा वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना देगा, ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ लॉस्ट पार्ट, रीजनरेशन इज अपने लॉस्ट पार्ट को वो वापस लेके आ रहा है। तो प्लेनेरिया सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उसको तीन पार्ट्स में बांटा और हर पार्ट ने अपने बाकी के लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट कर लिया। फंजाई में एक फिलामेंटस एल्गे होता है, हमको पता है एल्गे हमारे तीन ग्रुप्स के होते हैं, हमारे पास फियोफाइसे होते हैं, क्लोरोफाइसे होते हैं, रोडोफाइसे होते हैं।
जिसमें दो में हमारे पास फ्लैंजुला होता है। अब ये फ्लैंजुला भी हेल्प करता है मूवमेंट वगैरह में। अब प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस, तो ऑल आर मल्टीप्लाई बाय फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट्स में बटे और एक फ्रैगमेंट ने पूरी जो ऑर्गेनिज्म था उसमें अपने आप को ग्रो कर लिया। ठीक है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, एल्गे, अमीबा, ये क्या है, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। यही चीज मैं आपको अभी समझा रही थी यहाँ पे कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्यूलर है, एल्गे हो गए, अमीबा हो गए, वहां पे रिप्रोडक्शन सिनोनिमस है, एक जैसे मीनिंग वाली, मतलब ग्रोथ भी सिंपल सेल डिवीजन से हो रही है, एक सेल ने दो बनाए ग्रोथ हो गई, और एक सेल ने दो बनाए वो रिप्रोड्यूस भी हो गए, तो यहाँ पे लगभग सेम हो गया है। ठीक है, यानी कि दोनों में ही क्या हुआ है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुए हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल नॉन लिविंग को अलग कर देती है, क्योंकि जो नॉन लिविंग है वो अपने आप को रेप्लीकेट नहीं कर सकते। ठीक है, नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रेप्लीकेट इटसेल्फ। अब अगली कैरेक्टरिस्टिक में आ जाते हैं, जो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म भी बहुत जरूरी है। एक सिंपल सी चीज अगर मैं बोलती हूँ कि एक आपने कुछ काम करना है, हमको भूख लगती है, भूख के लिए हम खाना खाते हैं, पर अब ये जो फूड है, ठीक है, आपने खाना खाया, फूड खा लिया, हमारी बॉडी में तो कई सेल्स हैं, क्या सेल इस फूड को यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस फूड का क्या होता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है। ये ब्रेकडाउन उस लेवल का होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में मान लो ग्लूकोज है, जब ये फाइनली ग्लूकोज बनता है तब जाके सेल इसको यूज कर पाता है। जैसे हमने देखा है कि कोई अगर कभी आप बीमार हो जाते हो तो उस टाइम खाना खाने की शक्ति नहीं होती बॉडी में, तो बॉडी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस फूड को ब्रेक डाउन करे, डाइजेस्ट करे, ग्लूकोज बनाए, तो हम डायरेक्टली बॉडी में ग्लूकोज देते हैं ताकि सेल को एनर्जी मिले। लेकिन नॉर्मल में क्या हो रहा है, यही जो फूड है ये टूटता है जिस फॉर्म में हमको चाहिए, तो ये क्या है, मेटाबॉलिज्म इसको बोलते हैं। हमारी पूरी जो ऑर्गेनिज्म है केमिकल्स के साथ बने होते हैं, और ये केमिकल्स चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, अलग अलग क्लासेस के हों, साइजेस के हों, इनका फंक्शन अलग अलग होता है, और ये बहुत सारी चीजों को डेवलप कराते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और ये भी जो केमिकल्स हैं बनते रहते हैं। कोई एंजाइम है, सबसे इजी, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हमने देखे हैं, उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है तो उनको इंसुलिन लेना पड़ता है, बट हमारी बॉडी में ये हमारा ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन बनता रहता है जब जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑल दीज सब्सटेंसेज आर कॉन्स्टेंटली बींग मेड, और ये दूसरे चीजों में चेंज करते रहते हैं, अब ये ब्रेक डाउन करते रहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं जो जरूरी हैं, इनको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब ये पूरे के पूरे आपके रिएक्शंस दो टाइप के हो रहे हैं, एक जिसको मैं बोल दूंगी कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब जब चीजें टूटती हैं, जैसे सिंपलर फूड है, हमने क्या खाया, राइस खाया, राइस में क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स थे, तो ये ब्रेक डाउन हुआ फाइनली, तो ये जब ब्रेक डाउन होता है तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। सिमिलरली प्लांट्स में देखते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाती है, उसमें होता है फोटोसिंथेसिस, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, वाटर लेती है, एंड अल्टीमेटली फिर वहां पे क्या बन रहा है, आपका स्टार्च बन रहा है, तो यहाँ पे स्टार्च ही क्या हो गई, सिंथेसिस हो गई, तो जब सिंथेसिस होती है तब उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो यहाँ पे ये चीज क्या हो रही है, ये आपके बॉडी में ही मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो जितने भी प्लांट्स हैं, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, जितने भी एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, सभी के सभी मेटाबॉलिज्म दिखाते हैं, उनकी बॉडी ताकि चलती रहे, उनके रोजमर्रा के काम होते रहे, वहां पे इस टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। तो ये भी क्या हो गई, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन जो हो गई आपकी बॉडी में, एक डिफाइनिंग फीचर हो गई आपकी बॉडी किस तरीके से, कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, और उसमें जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस होते रहते हैं, ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। हर बॉडी सेल से बनी है, चाहे छोटे सेल्स हो, अलग अलग टाइप के हो, सिंगल सेल हो, मल्टी सेलर हो। एक और जो फीचर आ जाता है, दैट इज कॉन्शियसनेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस शो करते हैं, अगर मैं उसको रिस्पेक्ट में लेके चलूं, जैसे कोई स्टिमुलाई है,
अब उसमें हम रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे फिजिकल वे में करें, चाहे केमिकली करें, चाहे बायोलॉजिकली करें। प्लांट्स अगर हैं तो वो लाइट की तरफ ग्रो करते हैं, तो वो फोटो ट्रॉपिक मूवमेंट दिखाते हैं, वाटर की तरफ हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाते हैं। कुछ प्लांट्स हाई टेम्परेचर में नहीं रह पाते, कुछ प्लांट्स लो टेम्परेचर में ही सर्वाइव करते हैं। तो ये अलग अलग चीजें होती हैं। फोटो पीरियड इफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को, जैसे क्या था, ब्रीडिंग टाइम अलग अलग होता है। प्लांट्स में देखेंगे तो प्लांट्स का फ्लावरिंग टाइम अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल वीट है, कुछ वीट की विंटर वेराइटी आती है कि कुछ वीट की समर वेराइटी आती है, तो डिपेंडिंग कि वो कब ग्रोथ करेंगे उस हिसाब से तो वो अपने इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर ह्यूमंस में भी बात करें, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया हमारा, तो वो भी क्या है, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, हम होल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर हमारे अलग अलग सिस्टम ठीक से काम करेंगे तो बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, सिस्टम के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो ठीक से रिस्पॉन्ड करेगा तो सिस्टम काम करेगा। ऑर्गन्स के भी अगर सारे टिश्यू ठीक से काम कर रहे हैं तो ऑर्गन्स काम करेगा। इसी तरीके से हर सेल अगर ठीक से काम कर रहा है तो पूरा और इंडिविजुअल ठीक से काम करेगा। सेल्स में भी क्या है, सेल्स में भी कितने सारे ऑर्गेनेलीज हैं, अगर वो ऑर्गेनेली अच्छे से काम करेंगे तो पूरा सेल काम करेगा। तो जो भी हमारी हायरार्की होती है, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है, हर लेवल में हर टाइप के ऑर्गेनिज्म, हर टाइप के जो सेल्स हैं, अपनी अपनी मतलब हर तरीके से काम करते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इवॉल्विंग है। डेफिनेटली जब एक ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर रहा है तो ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसे ही इसी तरीके से ही एवोल्यूशन होता है। सेल्फ रेगुलेटिंग है, अपने आप को मेटाबॉलिक प्रोसेस की तरह आप खुद को रेगुलेट भी करते हो। ठीक है, देन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डाइवर्सिटी। इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हमारे पास कितनी ज्यादा वेराइटी है, दिस इज बायोडाइवर्सिटी। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब कितनी ज्यादा है, आप देख रहे हो हर चीज, चाहे वो प्लांट्स को लेकर के हो, चाहे वो कोई सिंपल प्लांट्स हो, एल्गे हो, चाहे वो हायर प्लांट्स हो, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, कुछ भी ले लो, प्लांट्स, एनिमल्स ले लो, सिंपल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, हर कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। एवोल्यूशन का यही खेल है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनते जाते हैं, सिंपल भी रहते हैं, इवॉल्व तो हो रहे हैं लेकिन पहले वाले भी एग्जिस्ट हैं। तो हमारे पास इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है और जितने भी चीज हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम हर कोई उनके कुछ लोकल नाम होते हैं, आपने देखा होगा हर प्लांट के कोई अपने अपने नाम हम रख देते हैं, हो सकता है किसी और जगह में उसका नाम कुछ और हो, तो वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, इवन विद इन दी कंट्री। तो इतनी ज्यादा डाइवर्स चीजों के लिए हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यार अगर मैंने कह दिया कि ये प्लांट है इसका नाम ये है, हिबिस्किस है, हिबिस्किस को कुछ लोग चाइना रोज बोलते हैं लेकिन हिबिस्किस का मतलब हिबिस्किस ही होगा थ्रू आउट दी वर्ल्ड, तो उसके लिए हमें एक नोमनक्लेचर की जरूरत है ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सके। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आईसीबीएन का फुल फॉर्म विच इज कोड फॉर बोटानिकल नोमनक्लेचर। अब यहाँ पे बोटानिकल जो वर्ड है प्लांट्स के लिए यूज है, तो ये क्या है, जितने भी प्लांट्स हैं साइंटिफिक नेम है और उनको रखा गया है प्रोवाइडेड इन दी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमनक्लेचर। उसी तरीके से जो एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट हैं, टेक्सोनॉमी जो करने वाले हैं वो टेक्सोनॉमिस्ट हैं, उनकी जो उन्होंने की है एनिमल्स की जो टेक्सोनॉमी की है वो कहाँ पे है, सारी इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमनक्लेचर। ठीक है, तो ये दोनों का आपको क्या पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। देन उसके बाद किसी ऑर्गेनिज्म का भी नाम में दो चीजें होती हैं, एक उसका जेनेरिक नेम, एक उसका स्पेसिफिक नेम, मतलब उसका स्पीशीज। अगर कोई प्लांट है या कोई एनिमल है तो जो एनिमल है वो तो उसका जीनस हो गया, अब उसमें भी कितनी वैरायटी होगी तो वो उसके स्पीशी हो जाती है। तो जो सिस्टम है कि एक नेम देंगे किसी को दो कंपोनेंट्स में, ये है बायोनॉमियल नोमनक्लेचर जो कि दिया था कार्लस लिनानियस ने। ठीक है, तो ये हमको बहुत ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। देन एग्जाम्पल है जैसे मैंजीफेरा इंडिका, ये क्या है, मैंगो के लिए यूज है, अलग अलग जगह में मैंगो को अलग अलग बोलेंगे, तो मैंजो मैंगो के लिए मैंजीफेरा जो कि इसका जीनस है, वाइल जो इंडिका हो गई वो इसकी एक पर्टिकुलर स्पीशी हो गई। ठीक है, नॉर्मली ये जो नोमनक्लेचर है इसके कोई रूल्स होते हैं, ये हमेशा लैटिन में होते हैं या इटैलिक्स में लिखे होते हैं। ठीक है, अब
जो इसका जो लेटर होता है वो अंडरलाइंड होना चाहिए. द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जीनस और जो सेकंड है वो स्पीशीज बताता है. अब अगर द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, हमेशा देख रहे हो मैंजीफेरा का एम हमेशा कैपिटल है, इंडिका का आई हमेशा स्मॉल लेटर्स में होगा. अगर हम उसका ऑथर का नेम बताना चाहेंगे कि किसने वो नाम दिया है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन, तो लिन जो है वो बताता है कि वो लिनानियस ने डिस्क्राइब किया था. तो ये हो गई हमारी क्लासिफिकेशन जैसे हम उसको नाम दे रहे हैं, ये हमारी टेक्सोनॉमी हो गई जैसे हम उसको नाम दे रहे हैं. अब इतने ज्यादा ऑर्गेनिज्म है, हमने कैसे माना कि ये जीनस है, ये जीनस है, क्योंकि उन सबकी क्वालिटीज एक जैसी रही होंगी. अब हमको तो जनरली पता है भाई ये सब प्लांट्स हैं, तो हम उसको प्लांट्स बोलते हैं. जिराफ को हम प्लांट में नहीं ले सकते, तो वो हमारे प्लांटे में आता है. प्लांट्स में भी टेरिडोफाइट्स वाले टेरिडोफाइट्स में आएंगे, जिम्नोस्पर्म वाले जिम्नोस्पर्म में आएंगे. देन जिम्नोस्पर्म में भी हमारे जो पाइनस है वो पाइनस में आएंगे. तो हमारे कितने सारे हमारे उसकी डिविजन हम करते रहते हैं किस बेसिस पे, क्वालिटीज कैसी है. तो यहाँ पे इसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं. इट इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग, किसी को भी हम ग्रुप में कैटेगरीज में बांट देते हैं. तो अगर हमें कोई ग्रुप में बांटना हो, कोई कैटेगरी है, तो उसको टेक्सा बोलते हैं. जैसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, मैमल्स हैं, व्हीट, राइस, ये सब क्या है, अलग अलग टेक्सा है. अब प्लांट्स ये भी एक टेक्सा है, हमने पूरे को एक ग्रुप में बांट दिया है. एंड जो प्रोसेस है जिसको हम अलग अलग टेक्सा में बांट रहे हैं, दैट इज टेक्सोनॉमी. उसके बाद हम आ जाता है एक हमारा सिस्टमैटिक्स. अब ये सिस्टमैटिक्स क्या है, अब ये हमने मान लिया कि ये एग्जाम्पल दे रही हूं मैं कि हमने बोल दिया कि ये प्लांट है, ये एनिमल है, कभी ना कभी तो नहीं हमने इसको कुछ नाम दिया था. अब मान लिया ये प्लांट है, ये एनिमल है, क्यों है, हमने उनका रिलेशनशिप भी देखा कि आपस में वो चीजें कैसे हो रहे हैं, हमने उसके हिसाब से उनको ग्रुपिंग दे दी कि इसको हम यूज करते हैं. या जैसे मान लो फोटोट्रॉप्स हैं, अपना खाना ऑटोट्रॉप्स हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, हम क्या है उनको खाते हैं, ठीक है, तो हम क्या है उन पे डिपेंडेंट हैं. तो क्या रिलेशन को जब आप स्टडी कर रहे हो किस तरीके से, जब आपने टेक्सास को डिवाइड कर दिया, उनने अपनी ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया, उन ग्रुप्स को आपस में आप लिंक कैसे कर रहे हो, कैसे बता रहे हो ये इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, कि ये फाइलम क्या है इस किंगडम में आएगा. तो जब आप रिलेशनशिप पढ़ते हो उनके बीच में, तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स. तो डेफिनेटली जो रिलेशनशिप होता है वो उस पे डिपेंड होता है कि वो कैसे इवॉल्व हुए हैं. तो सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, क्या उनके बीच में रिलेशनशिप है, क्या कॉमन एंसेस्ट्री है. अब क्या है, जिस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं वो एक सिंगल स्टेप में नहीं हो सकता, उसको हमें प्रॉपर डिवाइड करना है, क्योंकि कितनी सारी चीजें होती हैं. प्लांट्स में भी कितने टाइप के प्लांट्स हैं, प्लांट्स को हमने ये तो मान लिया कि प्लांट्स भाई ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उसमें भी तो कितने अलग अलग टाइप के प्लांट्स हो गए हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे वो अपनी अपनी चीजों में ग्रोथ दिखाते हैं. तो पूरा डिपेंड करता है कहाँ उनको ग्रो कराना है, किस कंडीशन में वो रहते हैं, ये उनको अलग अलग बनाता है. तो उनके भी उनको भी क्लासिफाई करना है, तो ये कोई छोटा प्रोसेस नहीं है. तुम्हें एक हायरार्की बनानी होती है, कैटेगरीज बनानी होती है, जिसको बोलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. और ये कैटेगरी सारी जो होगी टेक्सोनॉमिक हायरार्की, मतलब हमने कैटेगरी बना ली. फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है, हमने स्कूल में सारे स्टूडेंट्स हो गए, हमने 12th क्लास के स्टूडेंट्स अलग कर दिए, 11th के अलग कर दिए, 12th में भी हमने बायो के अलग कर दिए, हमने अकाउंट्स के अलग कर दिए. तो क्या किया, हमने हायरार्की बना रही है, ठीक है. अब टेक्सोन क्या है, एक यूनिट, रेफर्स टू अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, रिप्रेजेंट अ रैंक, एक रैंक क्या उसकी है. अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं हमें जो पता होनी चाहिए, हमारे कौन कौन से हैं, हमें पता है स्पीशी क्या होता है, जीनस क्या होता है. तो हम डायरेक्टली इस चार्ट में आ जाते हैं. पहले तो जो टॉप मोस्ट है, जो हमने टॉप मोस्ट डिवाइड कर रखी है, दैट इज किंगडम. किंगडम, किंगडम में अब सब कुछ आ गया, किंगडम में टोटल डिवीजन आ गई. जैसे कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सब अलग एक ही किंगडम में आ गए, या जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे प्लांटे किंगडम में आ गए, एनिमल्स एनिमेलिया किंगडम में आ गए. फिर सब डिवीजन की कि यार अब प्लांट्स में भी कितने अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, तो हमारे पास फाइलम आ गई और डिवीजन आ गई. अब एक चीज याद रखना, जो फाइलम है हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, और जो डिवीजन है वो हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं. अब उसके अंडर भी हमारी क्लासेस आ गई, ठीक है.
देन फॉर एग्जाम्पल की इवोल्यूशन में कॉर्डेट्स के बाद आए हमारे वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स आ गए उसके अंदर। अब वर्टिब्रेट्स जो हमारे थे उसमें फिशेस भी थी, एम्फीबियंस भी थे, मैमल्स भी थी, बर्ड्स भी थी, ये सब थे। तो ये क्या है, ये फर्दर डिवाइड हो गई, ये क्लासेस में आ गए। क्लासेस के बाद भी ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड फाइनली हमारी स्पीशीज। तो अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैन है, ठीक है, ह्यूमन है, उसका नाम क्या है, होमो, हमारा जीनस है, स्पीशीज हमारी सेपियंस है। एवोल्यूशन मैन का भी तो हुआ था, कितने टाइप के मैन है, पहले वो अलग चलते थे या अलग तरीके से काम करते थे, कच्चा मांस खाते थे हम लोग, फिर कुक करने लगे, तो मैन में भी एवोल्यूशन हुआ, तो उनके भी अलग अलग स्पीशीज है, आज जो है वो होमो सेपियंस है। फैमिली, वो सारे के सारे ह्यूमंस होमो वाले होमिनिडी में आ जाएंगे। ऑर्डर, प्राइमेट्स में आ जाएंगे। मैमल्स हैं वो सारे, क्लास है क्या है उनकी, मैमल है। फाइलम क्या है, वर्टिब्रेट, सारे अंडर कॉर्डेटा में आते हैं। उसी तरीके से जितने भी इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट सारे ऑर्थोपोडा में आ जाते हैं। अब उसकी कौन सी फैमिली है, प्लांट्स हैं, अलग अलग टाइप, जैसे वो दिखते हैं, जैसे उनका फीचर होता है, जिस हिसाब से उनके फ्लावर होते हैं, उस हिसाब से प्लांट की फैमिली भी अलग अलग होती है। पोएसी फैमिली, एनाकार्डेसी फैमिली। अब एक चीज याद रखना, फैमिली कभी भी एनिमल्स के लिए होता है तो DAE यूज होता है, और प्लांट्स के लिए लास्ट में CAE, सी ही इसको प्रोनाउंस करते हैं, पोएसी, एनाकार्डिएसी, फीबिएसी, तो इस तरीके से आता है। अब हमने क्या किया, एक टेक्सोनॉमिक हायरार्की बना दी, हमने सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया। अब क्लासिफाई करने के बाद मुझे अगर उनके बारे में कुछ पढ़ना हो, मैंने कुछ मुझे किसी चीज को किसी चीज में यूज करना है, किसी प्लांट को किसी एग्रीकल्चर में यूज करना है, इंडस्ट्री में यूज करना है, मुझे उसकी डिटेल्स जाननी है, या मुझे आइडेंटिफाई करना है किसी चीज को, तो कैसे करेंगे, तो उन सब के लिए आते हैं टेक्सोनॉमिक एड्स। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म का यूज, जैसे किसी एग्रीकल्चर में यूज, किस तरीके से वो यूज हो रहा है, उनके बारे में पढ़ना, कैसे क्या उनकी डाइवर्सिटी है, कितने वो टाइप के हैं, उनको करेक्टली क्लासिफाई करना, किस कैटेगरी में वो आएंगे, उनको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो अब किसी चीज को मुझे आइडेंटिफाई करना है। मान लो मुझे कल को कोई नया प्लांट मिला, जैसे चलो केमिस्ट्री का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप एलिमेंट्स पढ़ते हो, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा कि नॉन मेटल्स हैं, मेटल्स हैं, इनमें ये सब क्वालिटी है। कल को कोई नया एलिमेंट मिला, ठीक है, कोई नया एलिमेंट मिला और हम देखते हैं यार ये कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है जो हमारे पीरियोडिक टेबल में आज मेंशन है, ऐसे ही तो नए नए एलिमेंट्स आए थे, तो आप कैसे पता लगाओगे, उसकी प्रॉपर्टीज देखोगे, आप देखोगे वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, कौन से पीरियड, कौन से ग्रुप में फॉल करेगा, तब जाके आप कह सकते हो उसको एक नया नाम, उसको आइडेंटिफाई करते हो। तो ऐसे ही अगर हमें प्लांट्स और एनिमल्स को करना होगा, तो हम उसको डायरेक्टली ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमको धीरे धीरे देखेंगे ना कि वो किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करना ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो डायरेक्टली अगर हमारे ऐसे हमने एक एड्स बनाए हैं, ऐसे मेजर्स बनाए हैं जिसमें हम देख सके कि उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल हो, तो डेफिनेटली चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो ये सब करने के लिए हमारे अलग अलग हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है हमारा हर्बेरियम। अब ये क्या है, सबको बचपन में एक एक्टिविटी मिली होगी जिसमें आपको प्लांट्स के स्पेसिमेंट्स कलेक्ट करने होंगे। प्लांट्स को आपने लेते थे, उसको ड्राई करते थे, ड्राई होने के बाद आपको याद है आप अपने नोटबुक्स में रखते थे, उसको शीट्स के अंदर रखते थे, उसको प्रेस करते थे, प्रेस करने के बाद उसको फिर शीट्स में प्रिजर्व कर देते थे। तो यही तरीके का काम होता है हर्बेरियम में। अब उसके बाद आ जाता है आपका बोटानिकल गार्डन्स। नाम से ही पता लग रहा है, प्लांट्स का गार्डन, जहां पे प्लांट्स को रखा गया हो। तो ये गार्डन्स होते हैं, कुछ कुछ बहुत फेमस भी हैं, जैसे आपके कहाँ पे है, क्यू में है इंग्लैंड, इंडियन बोटानिकल गार्डन जो कि होवरा में है इंडिया, एंड एट नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है इंडिया। तो ये सब क्या है, आपके अलग अलग बोटानिकल गार्डन हैं। इन्होंने क्या किया है, एक ही जगह पे काफी वैरायटी ऑफ प्लांट्स को प्रिजर्व किया है, वहां पे उनकी लेबलिंग की है। लेबलिंग में आपको पता लग जाएगा कि उसको देखते ही यार ये अच्छा अच्छा इस कैटेगरी में है, ये इसकी ये है, ये इसका जीनस, स्पीशी इसकी, इसका डिवीजन क्या है उस प्लांट का, हर चीज आपको पता लग जाएगा।
देन उसके बाद आता है म्यूजियम्स, जैसे हिस्टोरिकल म्यूजियम्स होते हैं वैसे प्लांट एंड एनिमल्स के भी म्यूजियम होते हैं। आपने अपनी स्कूल की बायो वाली लैब में देखा होगा, वहां पे ऐसे कांच के वेसल्स में आपको छोटे छोटे कोई कोई देखा होगा एनिलीड रखे हुए हैं, प्लांट के स्पेसिमेन रखे हैं। वो क्या है? वो म्यूजियम है जहाँ पे आपने पढ़ाई के लिए, चाहे वो इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए हो, चाहे वो आपने किसी भी प्रिजर्व के पर्पज से रखा हुआ है, तो वो क्या है, वहां पे हमने उसको रख रखा है, प्रिजर्व कर रखा है, हमने दिखा रखा है, और वहां पे उसकी पूरी डिटेल्स भी हैं। हम उनकी डिटेल्स को भी पता कर सकते हैं, जिस म्यूजियम में जिस चीज को रखा गया है, प्रिजर्व किया है, संभाल के रखा है, वहां पे उसकी डिटेल्स भी होंगी। तो ये भी एक तरीका है टेक्सोनॉमी को आइडेंटिफाई करने का। नेक्स्ट आ जाता है जूलॉजिकल पार्क्स। ये तो सबको पता ही है। अब जैसे कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ कुछ एनिमल्स हैं जो अब नहीं है बहुत ज्यादा नंबर में, तो हमने उनको प्रिजर्व कर दिया। तो यहाँ पे हम बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व तो कर रहे हैं, लेकिन क्या है, अभी भी क्योंकि हमने उनको प्रिजर्व कर दिया एक बाउंड्री में, जू बना दिया हमने एक फिक्स्ड बाउंड्री में, उनको रख दिया वहां पे। अब जब वहां पे रख दिया, वो प्रिजर्व भी हो गए, अब वहां पे वो जो जिस भी कैटेगरी में वो फॉल करता है, उसका वो जीनस, उसका वो स्पीशी हमारे पास है, वहां पे हम उसको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, हमने प्रिजर्व भी किया है, हम उसके बारे में सब कुछ पढ़ भी सकते हैं, हम दिखा भी सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे जूज। तो यहाँ पे डेफिनेटली ह्यूमन इंटरफेरेंस तो होती है, ह्यूमंस देखने भी आते हैं यहाँ पे। फिर आ जाती है कीज। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चों को समझ नहीं होता है। बेसिकली मान लो आपको दो चीजें दी हैं, अब आपको दो चीजें दी हैं, आपको पता लगाना है, कंफ्यूज हो रहे हो कि यार ये क्या है ये क्या है, तो यहाँ पे की हेल्पफुल होती है। ये एक टेक्सोनॉमिकल एड है जो कि आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, और जो कि सिंपल सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेस पे इनको पेयर कर दिया जाता है कि या तो ऐसे हैं या ऐसे हैं। ठीक है, वहां पे आप उनको इजीली क्या कर पाओगे, जब आपके पास दो ऑपोजिट ऑप्शंस हैं और आपके पास एक की इंफॉर्मेशन है, तो आप सीरियसली पता लगा पाओगे कि वो इस कैटेगरी में फॉल करता है। तो ये क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को जो कि पेयर में, जिसको कपलेट बोलते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। अब ये क्या करेगा, डेफिनेटली जब आप अपनी चॉइस बनाओगे, जब आपको चूज करना है कि वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, तो एक रिजेक्ट हो जाएगा, एक एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेपरेट टेक्सोनॉमी कीज होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं हर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए, जैसे चाहे वो फैमिली हो, चाहे जीनस हो, चाहे स्पीशीज हो। देन यहाँ पे आ जाता है फ्लोरा। फ्लोरा क्या है? अब फ्लोरा बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है। इस डॉक्यूमेंट में क्या होगा, ये होता है सपोज सारे के सारे प्लांट स्पीशीज के लिए। तो प्लांट्स के लिए फ्लोरा इज वर्ड यूज फॉर प्लांट्स, और फौना हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई भी एक स्पीशीज, मान लो एक स्पीशी के बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी कि कहाँ कहाँ पे ये है, मतलब किस एरिया में ये पाए जाते हैं, क्या इनकी अबंडेंस है, इनके बारे में सारी चीजें कि इनका फ्लावरिंग का सीजन क्या है, किस तरीके से ये इंटरैक्ट करते हैं इन्वायरमेंट में, तो ये सारी चीजें होंगी फ्लोरा में। देन उसके बाद आ जाता है मैनुअल्स। अब मैनुअल्स नाम से ही पता लगता है, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक खरीदते हो, आपको एक मैनुअल मिलता है जिसमें लिखा होती है कि चीजों को कैसे यूज करना है। तो इसमें क्या है, सारी की सारी गाइडलाइंस होती हैं, जो भी चीजों को आपको पढ़ना है, जिसके बारे में आपको समझना है, क्लासिफाई करना है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको कोई प्लांट मिला, आपने मैनुअल उठाई, आपने एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, यार क्या ये इसमें है, नहीं ये इसमें नहीं है, नहीं, इस तरीके से कैंसिल करें, ये इसमें है, हाँ सही, तो आपने फिर उसी के अंदर गए, तो क्या हुआ, इस तरीके से आपने पूरे प्लांट को फाइनली जीनस और स्पीशी पता लगा लिया। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। देन आ जाती है तीसरी चीज, मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या है यहाँ पे, ये भी कुछ कुछ फौना टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा चीज यहाँ पे क्या अलग है, किसी भी एक टेक्सॉन, किसी भी एक कैटेगरी के बारे में यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन सिर्फ एक सिंगल टॉपिक के बारे में ही यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन है, पूरा उसका नोमनक्लेचर, कैसे वो यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, और ये एक ही पर्सन के ने बनाया होता है। मतलब मैंने अगर किसी एक स्पीशी के बारे में या एक कैटेगरी के बारे में पूरी सब कुछ पढ़ लिया, मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी, तो वो क्या हो गया, एक मोनोग्राम हो गया मेरा बनाया हुआ। अब लास्ट यहाँ पे बचता है आपका कैटलॉग। ये है क्या, बेसिकली बुक्स के बारे में बताता है। तो द बुक्स हैं जो भी लाइब्रेरीज में हैं, जिनकी भी उनकी उनके बारे में है, वो सब यहाँ पे आपको पता होगा। तो
तो अगर आपको कोई कैटेलॉग रेफर करनी है, तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि आप कौन से ऑथर की ढूंढ रहे हो, कौन सी बुक ढूंढ रहे हो उसकी, तो वो सब चीजें। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, अब हमें दे भी रखा है किसके बारे में, सबसे पहले हमारा फ्लोरा। फ्लोरा क्या करता है, कंटेन करता है हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, देन क्या है, प्लांट स्पीशी फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, सब कुछ दे रखा होगा। मैनुअल्स जो कि यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी एक स्पीशी के बारे में, एक एरिया में है, जैसे मैंने आपको बताया था एक ही के बारे में अगर बात होगी तो वो हो जाएगा मोनोग्राफ। ठीक है, तो ये रहा पूरा लिविंग वर्ल्ड का हमारा चैप्टर। अगर इसमें से एक क्वेश्चन बनता है तो वो लिविंग कैरेक्टर स्टिक्स हो सकते हैं, लिविंग को क्या बनाता है, पूरी टेक्सोनॉमी के बारे में और टेक्सोनॉमी एड्स के बारे में। अब कैरेक्टर्स में जो इंपॉर्टेंट बीच बीच में जो थिंग थी, मैंने आपको वो सब चीजें बता दी। अगली वीडियो में हम लाएंगे नेक्स्ट चैप्टर, तो इसी तरीके से हम पूरे 11th एंड 12th के चैप्टर्स आपके लिए कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।